गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 किया सोनेट फेसलिफ्ट आपके सामने खड़ी है। एंड गाइस बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये। अपनी जो मॉडल आपके सामने खड़ी हुई है ये अपनी भाई बेस मॉडल HTE खड़ी हुई है रेड कलर ऑप्शन में, काफी बढ़िया। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, क्या किया ने इसमें किया है भाई, क्या चेंजेस है, क्या अपडेट वगैरह है, और पूरा एक बार वॉक अराउंड लेते हैं इसका, देखते हैं क्या फीचर्स में अपडेट है। वैसे बेस मॉडल है लेकिन इसका आपको बहुत जल्द अपना टॉप एंड मॉडल का भी वीडियो अपने चैनल पर मिल जाएगा, उसको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। और गाइस अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, किया कि कोई प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल इस डीलरशिप पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको टोटल 30 प्लस वेरिएंट मिल जाएंगी, टोटल 11 कलर ऑप्शन साथ ऑफर होती है। एंड गाइस अगर इस प्राइस की बात करेंगे तो स्टार्टिंग प्राइस इसकी रहने वाली है 9.5 लाख से 10 लाख ऑन रोड। एंड मोटी मोटा ये आपको टॉप मॉडल पड़ जाएगी अपनी अप्रॉक्स 17 लाख टू 18 लाख तक। प्राइस में तो काफी बढ़िया है, बहुत ज्यादा लग, अगर आप देखें फेसलिफ्ट है तो फीचर्स में बहुत बढ़िया है, प्राइसिंग में बहुत ज्यादा नहीं देखने मिलेगी। यही 9 से 10 हज़ार का भाई यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो भी अगर आप एक बार चेंजेस देख लोगे, लुक देख लोगे तो भाई वो भी आप भूल जाओगे प्राइस को। एंड उसी के बाद गाइज अगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई इसमें अगर फीचर्स वगैरह की, तो यहाँ पे गाइज आपको जो सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी कि भाई बेस मॉडल के भी होते हुए भी यहाँ पे प्रॉपर सिल्वर फिनिश में मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया से अपने को हेडलैम्प मिलेगी, बॉडी कलर अपने को वार्म मिलेंगे, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बेस मॉडल से काफ़ी बढ़िया बात है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग भाई इसके की से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे गाइस अपने को कुछ ऐसी की मिल जाती है, फिजिकल कीज दोनों मिलती है। एंड कोई भी यहाँ पे आपको बटन्स नहीं मिलते व्हीकल को एक्सेस करने के लिए, एंड कुछ ऐसी की मिलेगी भाई। एंड अगर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी ओवरऑल लुक देखने को मिल जाती है एंड बढ़िया लगती है, और कहीं भी ऐसा नहीं लगे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। लाइक यहाँ पे देखते तो ब्लैक कलर दे सकते थे लेकिन प्रॉपर बेस मॉडल में अपने को यहां पे देख रहे हैं तो सिल्वर फिनिशिंग मिल जा रही है, स्केट प्लेट सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी। हां यहां पे स्मोक ब्लैक कलर में अपने को ग्रिल मिल जाएगी। और अगर देखते हैं भाई हम लोग हेडलैम्प को, तो यहाँ पे गाइज आप देख रहे हैं तो काफी बढ़िया अपना क्रोम एलिमेंट्स मिल जाता है हेडलैम्प पे। हाँ हालांकि इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में ही हेडलैम्प मिलने, टर्न सिग्नल आपको हैलोजन देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे गाइज अपने को मिल जाती है फॉग लैंप जो कि अपने रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में है। यहाँ पे आपको टोइंग हुक का सेटअप मिलेगा और हुड पे अपने किया की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड कुछ कट्स एंड डिजाइन मिल जाती है हुड पे व्हीकल को एरोडायनेमिक शेप देने के लिए। मैनुअल वाइपर्स मिल जाएंगे एंड कुछ ऐसा अपना विंडशील्ड मिलता है। अब गाइज आते हैं हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ, तो फ्रंट प्रोफाइल एक बार प्रॉपर आप लोग चेक कर लीजिए, कुछ ऐसी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल मिलती है। एंड साइड प्रोफाइल में आ रहा है, ये है इसकी प्रॉपर अपनी साइड प्रोफाइल। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो भाई अपने को जो व्हील मिल रहे हैं सबसे पहले देख लीजिए, तो भाई इसमें आपको 50 इंचेस का ऑफर होते हैं। टॉप मॉडल में आपको 60 इंचेस के काफी बढ़िया स्पोर्टी क्रिस्टल टाइप में अलॉय व्हील मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको भाई रिम व्हील मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिल। एंड गाइस यहाँ पे अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195/65 सेक्शन टायर मिल जाते हैं विद 15 इंचेस ऑफ रिम व्हील, फुल बॉडी ग्लाइडिंग अपने को देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको फेंडर पे ही टर्न सिग्नल मिलते हैं बिकॉज बेस मॉडल है। लेकिन सबसे बढ़िया बात मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग बताई थी भाई, यहाँ पे आपको बेस मॉडल में ही बॉडी कलर अपने वॉर्वियम एंड बॉडी कलर अपने डोर हैंडल्स मिल जा रहे हैं। बेडिंग रूफ पोस्ट आपको ब्लैक कलर की मिलेगी और कोई भी यहाँ पे आपको ऊपर रूफ रेल नहीं मिलने वाली है, क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट मिलेगी एंड रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, फिजिकल की रोम मिल जाता है। एंड प्रॉपर साइड प्रोफाइल चेकआउट करिए आप, साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, जैसा लगेगा कि भाई अपनी ओल्ड सोनेट है। मेन डिफरेंस तो इंटीरियर में है और रियर प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल में है। अब आते हैं इसके प्रॉपर रियर प्रोफाइल की तरफ, सो गाइस कुछ ऐसी ओवरऑल रियर प्रोफाइल मिल जाती है अपने फेसलिफ्ट में। यहाँ पे गाइस बेस मॉडल है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अपने को कनेक्टेड टेल लाइट मिलेगी, हालांकि ये फंक्शनल नहीं है लेकिन रोड प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देती है। और ऊपर देख रहे हैं तो भाई अपने को मिल जाती है एक एंटीना जो कि गाइस अभी उस पर लगेगा, जो कि नॉर्मल रेडियो एंटीना है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलेगी, कोई भी अपने को गाइस थोड़ी सी व्हीकल गंदी उसको आप लोग प्रॉपर इग्नोर करिएगा। डिफॉगर नहीं आता, वाइपर नहीं आता, किया की ब्रांडिंग सोनेट की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड गाइस ये जो अपनी वेरियंट है ना ये है भाई अपनी सोनेट पेट्रोल 1.2 लीटर HTE। एंड प्रॉपर रियर प्रोफाइल देख लिए, रियर में अपने को 1-2 पार्किंग सेंसर, ब्रेक लाइट देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में ब्रेक लाइट मिलेगी, टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। एंड उसी के बाद नीचे बम्पर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, प्रॉपर सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है एंड नीचे आपको रिवर्स एंड उसी के बाद नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। तो कुछ ऐसी ओवरऑल रियर प्रोफाइल मिल जा रही है। एंड यहीं पर अगर हम लोग बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो गाइस बेस मॉडल में अपने को एक इलेक्ट्रॉनिक बटन मिल जाती है ट्रंक को ओपन करने के लिए, प्रॉपर ऊपर कवरिंग वगैरह मिल जाती है एंड इसमें आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलता। 385 लीटर की यहाँ पे आपको बूट स्पेस देखने मिल जाती है। बूट स्पेस ठीक है भाई, यहाँ पे आपको अगर देखते हैं ट्रॉली बैग अपना मिड साइज़ के दो रख सकते हो, उसके बाद भी और सामान इस पर रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको भाई जो सीट मिलती है वो कोई भी स्प्लिट सीट वगैरह नहीं मिलती, हेडरेस्ट वगैरह अंदर की बात है, हम लोग बिल्कुल अंदर करके चलेंगे। एंड ट्रंक को करते हैं क्लोज, नंबर प्लेट लाइट वगैरह आ जाती है, यहाँ पे आपको बटन मिलेगी अपनी ट्रंक को ओपन करने के लिए एंड प्रॉपर रियर प्रोफाइल। अब आ जाते हैं भाई इसके हम लोग लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ, तो गाइस कुछ ऐसी ओवरऑल यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड प्रोफाइल मिलती है अपने सोनेट फेसलिफ्ट में बेस मॉडल में। लेफ्ट साइड रियर फेंडर पे अपने को फ्यूल रूम मिल जाते हैं, 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आएगी,
और अपने बॉडी कलर, डोर हैंडल, बेडिंग, रूफ पोस्ट आप देख रहे हो अपने ब्लैक कलर का मिलेगी। चेंजेस अपडेट्स की बाहर से अगर मोटी मोटा बात करते हैं तो पूरा ही फ्रंट का अगर आप देखते हैं तो अपना लोअर बम्पर चेंज किया गया है, हेडलैम्प चेंज किया गया है, एंड उसी के बाद रियर में अगर आप देख रहे थे तो रियर में पूरा ही कनेक्टेड टेल लैम्प, थोड़े से कटिंग एंड एजेस को बढ़ाया गया है जिससे कि रोड प्रेजेंस जो अपने सोनेट की वो काफ़ी बढ़िया हो जा रही है। सो गाइस ये था भाई इसका ओवरऑल वॉक अराउंड, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल वगैरह ये सब लेकर आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। अब थोड़ी सी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या ओवरऑल यहाँ पे आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं लाइक डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स। सो गाइस यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सबसे पहले व्हीकल की डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन में एज कम्पेयर टू ओल्ड सोनेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर mm वगैरह का देखेंगे, लेंथ वगैरह मिल जाए तो वो भी एकदम नहीं है भाई। तो ओवरऑल विथ को देखेंगे तो 1790 mm की विथ मिलेगी, लेंथ मिलती है 3995 mm की, 1642 mm की ओवरऑल हाइट मिल जाती है, व्हीलबेस आपको 2500 mm की मिलेगी। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात भाई अपने सोनेट में जो कि इसको काफ़ी बढ़िया बना देती है वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अगर सोनेट लेके आप अगर भाई माउंटेनियर एरिया में जा रहे हो, हिली एरिया में जा रहे हो, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस से कोई भी कंप्रोमाइज ऐसा नहीं है कि करना पड़ेगा, जहां पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो गाइस यहां पे आपको अप्रॉक्स 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है अपने सोनेट में, एंड उसी के बाद गाइस यहां पे आपको 1230 kg के अप्रॉक्स कॉर्बेट मिलती है, एंड 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 385 लीटर की बूट स्पेस। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको डायमेंशन, वेट वगैरह काफ़ी सही मिल जाती है, एंड सेफ्टी फीचर्स को देखते हैं तो इसका गाइस जो फेसलिफ्ट आया है जो टॉप मॉडल में ना, वहाँ पे तो काफ़ी सारे अपने को सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक एडास लेवल 1 भी आ गया है जिसके साथ 10 ऑटोनोमस फीचर मिल जाते हैं अपने आपको। लेकिन ये बेस मॉडल है तो यहाँ पे भाई आपको सेफ्टी फीचर्स में थोड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे गाइस अपने को स्टैंडर्ड लेकिन 6 एयर बैग है जो कि बेस मॉडल से आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये किया काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, अपने बेस मॉडल से ही अपना 6 एयर बैग को स्टैंडर्ड फीचर रख रही है, काफ़ी बढ़िया बात है। तो गाइस यहाँ पे अपने को 6 एयर बैग, ABS, ABD वगैरह सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी में भी ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई इसके हम लोग इंटीरियर की कि अंदर क्या क्या अपने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले डोर को ओपन करेंगे तो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल आपको पूरा ही ब्लैक कलर में डोर मिल जाते हैं, कुछ सिल्वर फिनिश बहुत हल्का सा मिलेगा, ये सब आपको प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे आपको एक हैंडल टाइप का मिल जाएगा, एंड फ्रंट में अपने जो विंडो आते हैं वो पावर विंडो कंट्रोल के साथ आएंगे, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बाकी फोल्ड एंड फोल्ड मैनुअली करना है। डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग मिल जाता है, डोर लॉक अनलॉक लीवर नीचे भाई अपने को देख रहे हैं तो ये भाई कैप को हटा देते हैं तो एक बॉटल होल्डर मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है भाई, एंड इधर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा। बट ये मतलब आप देखेंगे भाई आपके पास छोटा मोटा सा अम्ब्रेला तब जाएगा, बड़ा वाला तो नहीं जा पाएगा। एंड उसी के बाद अगर इंटीरियर केबिन में चलते हैं तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा ओवरऑल आपको केबिन देखने को मिलेगा। सीट्स नॉर्मल सी बात है, आपको फैब्रिक देखने को मिलेगी बिकॉज बेस मॉडल है, सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे अपने को नहीं देखने को मिलेंगे, एंड उसी के बाद सीट को प्रॉपर ही मैनुअल एडजस्ट करना है। एंड गाइस एक चीज बता दूं, ये जो 4-way एडजस्टेबल भाई अपना सीट आपको टॉप मॉडल में मिलेगा बट सीट हाइट एडजस्टेबल मैनुअली करना है। हेडरेस्ट 2 हैं फ्रंट में अपने, और अगर आप देखेंगे तो दोनों ही अपने एडजस्टेबल हैं, आर्मरेस्ट मिल जा रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात भाई अपने बेस मॉडल में अपने को आर्मरेस्ट मिल जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। सो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जा रहा है अपने बेस मॉडल सोनेट में। तो गाइस यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ये प्रॉप कनेक्टेड है, अगर आप आफ्टर मार्केट काम कराते हो तो यहाँ पे आप लगवा सकते हो या फिर कंपनी फिटेड भी करा सकते हो आप यहाँ पे। एंड गाइस उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके MID की, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल MID मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलेगा, सिस्टम चेक अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो भाई चेक करता है इसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर आपको अपने को मिल जाता है लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में अपने मिल जाती है इंजन टेम्परेचर और फ्यूल गेज, बीच में गाइस अगर आप देखेंगे तो आपको डिजिटली स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे इंजन चेक लाइट एंड अपना की इग्निशन का लोगो मिलेगा, लो बैटरी इंडिकेशन, लो ऑयल इंडिकेशन, सीलबेट वार्निंग। एंड इधर देखेंगे तो भाई अपने को एक डिस्प्ले जहां पे ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, सीलबेट वार्निंग, एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप, काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। एंड अगर स्टीयरिंग को देखेंगे भाई ना, अपनी जो स्टीयरिंग है वो आपको मिलती है टिल्ट, हाँ टेलीस्कोपिक नहीं मिलती, किया की ब्रांडिंग मिलेगी कुछ ऐसी, यहाँ पे आपको पो वाली जो अपनी काफ़ी बढ़िया किया की मिलती है हॉर्न वो देखने को मिलेगी, सिल्वर फिनिश मिल जाते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करेंगे तो बेस मॉडल में ऐसे नॉर्मली सभी व्हीकल्स में आपको नहीं मिलती है स्टीयरिंग कंट्रोल, बट यहाँ पे भी आपको अपनी MID कंट्रोल मिल जाती है जहाँ पे आप टायर प्रेशर मॉनिटर देख सकते हो एंड लाइट्स वगैरह को भाई अपने आगे कंट्रोल कर सकते हो, डोर कन्वीनियंस, सर्विस, अदर फीचर, तो काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी, तो उसको भी हम लोग छोड़ते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक कंट्रोल आ जा रहा है काफ़ी बढ़िया, सिल्वर फिनिश, डार्क क्रोम इंसर्ट्स है। टॉगल्स को देख रहे हैं तो राइट साइड में मिलेंगे हेडलाइट्स का कंट्रोल, लेफ्ट साइड में अपने को वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं तो भाई यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं हेडलाइट एबर, आइडल स्टार्ट स्टॉप, एंड इधर आपको मिलेगा भाई अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, बाकी नीचे अपना पैडल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हैं तो इधर आपको कुछ ऐसा ओवरऑल पूरा ही खाली सा सेटअप मिलता है, आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल करा सकते हैं। AC वेंट का डिजाइन बहुत बढ़िया है, सिल्वर फिनिशिंग मिल जाएंगी, मैनुअल AC मिलता है अपने को, एंड इधर आपको AC के फंक्शन बटन्स मिल जाते हैं, इधर कुछ स्पेस, सिल्वर फिनिशिंग, नीचे आपको USB आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको 12 वाट का पावर सॉकेट मिल जाता है, एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग प्रॉपर मिलेगी क्योंकि गाइस ये अपनी 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है पेट्रोल, तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को
मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको टू कप होल्डर मिल जाता है, इधर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट मिलेगी, आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है सॉफ्ट फिनिश के साथ, और स्पेस भी अंदर देखने को मिल जा रहा है। एंड गाइस यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलता है, एसी वेंट्स उधर। एंड ऊपर अगर आते हैं जैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई अपना मैनुअल डेनिम IRVM, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लाइट वगैरह आपको सेंटर मिलेगा वो भी चलेंगे दिखाएंगे। यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलेगा, ड्राइवर साइड विथ नो एनी टिकट होल्डर एंड वैनिटी मिरर, एंड को ड्राइवर साइड भी कुछ नहीं मिलता। सॉफ्ट क्लोज हैंडल मिल जाते हैं, रूफ आपको काफी बढ़िया व्हाइट कलर का मिलता है, बेज नहीं है और बढ़िया है, थोड़ा सा मेंटेनेंस तो हाई होगा लेकिन भाई ठीक है, दिखने में बढ़िया लगता है। डैशबोर्ड देखेंगे तो मेन मैं आपको फीचर बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आपको एसी देखने को मिलेगा, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, 12 वाट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, सिल्वर फिनिशिंग मिल जा रही है, आगे के दोनों जो विंडो है वो पावर मिलेंगे, एंड रियर में जो है वो आपको भाई मैनुअली देखने को मिल जाता है, बाकी कुछ ऐसा ओवरऑल डिस्प्ले। लेकिन MID भाई बढ़िया लग रहा है बेस मॉडल के हिसाब से। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को भाई देखने को मिल जाती है। एंड गाइज यहाँ पे अगर अपने डोर को देख रहे हैं तो कुछ ऐसा ओवरऑल डोर मिल जा रहा है, एंड ये भाई अपना मैनुअली मिलेगा, एंड स्पीकर वगैरह नहीं आता, आफ्टर मार्केट काम करा सकते हो, हाउसिंग मिलेगा, बॉटल होल्डर, यहाँ पे कुछ स्पेस, सिल्वर फिनिशिंग वगैरह मिल जाती है, सब सेम गाइज फ्रंट की तरह मिलते हैं। एंड गाइज अब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सीट्स यहाँ पे आपको फैब्रिक की मिलेगी, हेडरेस्ट यहाँ पे दो हैं, दोनों फिक्स्ड हैं, और यहाँ पे आइसोफिक्स वगैरह नहीं मिलते आपको चाइल्ड सीट। एंड सबसे बढ़िया बात गर्मियों में कि यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिलता है, तो गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर रियर एसी वेंट्स मिल जाएगा, मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो आपको मिल जाता है। उसी के जस्ट नीचे आपको अपने टू टाइप सी मोड मिल जाते हैं स्पेस, एंड सेंटर पैसेंजर को थोड़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी बिकॉज हम पर बीच में आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसी के बाद गाइज अगर हम लोग स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई तो स्पेस जो है ना वो थोड़ा सा अगर किया इसमें सेकेंड रो केबिन बढ़ा देती काफी बढ़िया होता, क्योंकि अगर जो इसके कॉम्पिटिटर है लाइक अगर आप ब्रेजा वगैरह को देखते हैं और नेक्स्ट वन में देखते हैं वहाँ पे केबिन स्पेस थोड़ी आपको बढ़िया मिलती है सेकेंड रो में, तो कुछ ऐसा है, तब भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी लॉन्ग हाइट के लोगों उनको थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी ऐसा तो सही है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसा ओवरऑल नी रूम मिलेगा, लेग रूम फुट रूम भी बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलेगा, एंड अगर हेडरूम को देख रहे हैं कुछ ऐसे अमाउंट का यहाँ पे हेडरूम मिल जाता है, मेरे लिए भाई बहुत बढ़िया है, अगर थोड़े से हेल्दी पर्सनालिटी के लोग होंगे तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा उनको मिल जाता ज्यादा तो सही रहता। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं तो अपने सॉफ्ट क्लोज हैंडल हैंगर एंड लाइट एक ही मिलता है केबिन में अपने, वो आपको सेंटर में मिलेगा जो कि आगे के लिए भी एंड पीछे के लिए भी काम करता है ऊपर, जो कि अपना रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन है। एंड उसी के बाद गाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अपने स्पेस वगैरह काफ़ी सही है, एंड पीछे पार्सल ट्रे प्लेसमेंट भी नहीं आती है, क्वार्टर विंडो आप देखेंगे मेरे पीछे काफ़ी छोटा यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं इंजन में क्या पॉइंट टॉक अपने को मिल जाता है। एंड गाइज अब देख लेते हैं इसमें क्या इंजन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अपनी सोनेट फेसलिफ्ट है वो भाई आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिलेगी, एक 1 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन मिल जाएगी, एंड दूसरी आती है भाई अपनी 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, एंड तीसरा भाई अपना 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, तो वही आपके सामने खड़ा हुआ है भाई अपनी सोनेट HTE पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन। देख रहे हैं गाइस यहाँ पे अगर पूरे सेटअप हो कुछ ऐसा ओवरऑल इंजन सेटअप मिल जाता है। पहले हुड को देख लेंगे तो कोई भी ऐसा आपको इंसुलेटर वगैरह इसके हुड पे नहीं मिलते हैं, एंड डिसेंट अपना हुड मिलता है। एंड यहाँ देख रहे हैं तो भाई अपने को मिल जाती है फ्यूज बॉक्स प्लेसमेंट, इधर आपको मिलेगी बैटरी प्लेसमेंट, ये भाई अपना 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, इधर आपको कूलेंट वगैरह का सेटअप मिलेगा, एंड यहाँ पे भाई अपने को वॉशर का ओवरऑल सेटअप मिलता है, भाई अपना पानी आप यहाँ से डाल सकते हो। एंड अगर भाई बात करते हैं पावर एंड टॉक की तो गाइज अपने सोनेट HTE पेट्रोल में गाइज अपने को जो इंजन में पावर एंड टॉक मिलती है वो मिल जाती है अप्रॉक्स 61 किलोवाट की 6000 RPM पे पावर एंड 115 LM की टॉक मिलती है 4200 RPM पे। माइलेज इससे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो भाई अप्रॉक्स ये आप देखोगे तो 60 टू 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये निकाल के दे देगी अगर आप इसको अच्छी तरीके से राइड वगैरह करते हो तो। बाकी इंसुलेटर अगर दे देती किया तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये था भाई अपने ऑल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट का फुल डिटेल रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स हर एक चीज़ मैंने बता दी है भाई। अब थोड़ा मोड़ा मैं आपको इसकी भाई जो टॉप मॉडल वगैरह आ रही है उनके बता देता हूँ। तो भाई वहाँ पे अगर देख रहे हो अपने को MBM लाइटिंग एयर प्योरीफायर, एंड उसी के बाद भाई अपना जो चारों विंडो है उसको पावर अप एंड डाउन मिल जाता है, एंड उसी के बाद और भी फीचर्स की बात करेंगे तो 10.25 इंचेस का MID और इंफोटेनमेंट दोनों ही कनेक्टेड देखने को मिल जाता है, और इस साथ ही बात करेंगे तो किया कनेक्ट के साथ 70 यहाँ पे आपको लीडिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एडास लेवल 1 वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिलेगी। तो बहुत सारे फीचर्स भाई अपने न्यू सोनेट फेसलिफ्ट में आएंगे जो कि अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए काफ़ी हैवी पड़ने वाली है, तो ये सब लेकिन ये अपने बेस मॉडल है भाई तो यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन बता दिया टॉप मॉडल उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बाकी ये था भाई अपने ऑल न्यू किया सोनेट बेस मॉडल HTE 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का भाई फुल डिटेल रिव्यू। बाकी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन मुझे पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।